ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, अभी मैं सत्संग शुरू करता हूँ। सत्संग, सत क्या है और उसका संग क्या है? सत क्या चीज है और उसका संग क्या है? तो सत एक ही चीज है। वो कहते एक को ब्रह्म दूते नास्ती, वो एक ही है। कराम का भगत है तो वो मंदिर में जाता है रोज, मूर्ति है वहाँ कुछ भी नहीं है, और उसका विश्वास है वो काम उसका हो जाता है। वो उसका काम दूसरे का नहीं होगा, उसका होगा। तो ये मान्यता, इसको मान्यता कहते हैं कि जो जो आपकी मान्यता है वो आपके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सबके लिए, यानी वो विश्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बताऊँगा जो मेरे अनुभव में आया। हो सकता है वो गलत हो, कोई दावा नहीं मेरा, आपकी तरह मैं भी आदमी हूँ। मेरा जो अनुभव है वो बताऊँगा मैं आपको। कभी राम के भगत हो तो आपको राम के रूप में फायदा हो जाएगा, कृष्ण के हो तो कृष्ण के रूप में हो जाएगा, बालाजी को तो बालाजी के रूप में। ये वो आपकी मान्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वो, विश्वव्यापी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर विश्वव्यापी सत्य होती तो दूसरों के साथ ही वो होता। अब हिंदू राम को मानते हैं तो उनका काम हो जाता है, मुसलमान नहीं मानते तो मोहम्मद को मानते हैं तो उनका मोहम्मद के मानने से काम हो जाता है। तो मानने वाले की बात है, एक तो मान्यता है और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरी दुनिया के लिए वो एक बात सत्य है, वो बात सत्य है सबके लिए। तो मैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊंगा जो मैंने समझा कि वो सच्चाई है क्या, वो सत्य है कहाँ, इस लोक के अंदर, क्या मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, कहाँ पर है वो, या कोई ऊपर है आसमान में, जो मैं समझाऊँ वो बताऊँगा। क्यों कि मैं कह रहा हूँ पर सूर्य बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी उम्र 92 साल होगी अभी मैं, और मैं मेरा सत्यानुभव नहीं बताऊँगा तो गलत बात होगी। तो बात है कि एक तो आप जो मानते हो तो मान्यता है, और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ जो विश्वव्यापी सत्य है। वो जो आप मानते हो, राम को मानते हो उनके लिए, कृष्ण को मानते हो उनके लिए, पूरी दुनिया की मानवता, चीन जापान के लोगों के लिए वही सत्य है, वही भारत के लिए सत्य है, वही अरब देशों के लिए सत्य है, वही अमेरिका अफ्रीका में जितनी मानव जाति मनुष्य जाति है सबके लिए सत्य है। वो मैं आपको जो अनुभव किया बताऊंगा। तो सत्य कहाँ है? सत्य इस मनुष्य के अंदर, ये बोल रहा है, ये है इस लोक में। ऊपर के लोकों में वो चीज़ है जिससे बन के आता है, पर उसकी हम चर्चा नहीं करते, क्यों जहाँ नहीं जा सकते, नहीं पूछ क्यों करेंगे हम, बात वो करेंगे जो यहाँ हमारे साथ गुजरती है। मनुष्य के अंदर ईश्वर अंश है, अंश है वो पूरा। तो इधर आ जाए तो वो मामला गड़बड़ है। अगर सूर्य यहाँ पर आ जाए तो सब जल्दी भस्म हो जाएंगे, सूर्य की किरणें यहाँ रहती हैं। इसी तरह से मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों है कि जो मनुष्य इस लोक में, देखो दिल्ली बनी है पूरी, तो दिल्ली के अंदर जो मकान दुकान हाट हवेली जो कुछ, राष्ट्रपति भवन बिरला मंदिर फलाना लाल किला बनाया, किसी ने देखा परमात्मा आया? देखा किसी ने आज तक? किसी ने देखा हो कि मैंने देखा भाई वहां पर घूम रहा था वो, और मैंने देख लिया वो, मैंने क्या देख लिया, मेरी नजर में यह आता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हूँ वो है। मेरी दृष्टि में आ गया कि जो आदमी के अंदर है वो तो, और ये देखने के लिए भारत भटकता फिर रहा है, कोई मंदिर में कोई मस्जिद में कोई कहाँ, कोई किसी गुरु के पास, कोई उस गुरु के पास, कोई उस गुरु के पास, और वो वास्तव में है आदमी के अंदर। क्या सबूत है मेरे पास भी इसका, क्या प्रूफ है? आप चाहते प्रूफ करोगे, सबूत तो बताओ ऐसे। क्यों आजकल कोई भी मामला हो जाता है तो लॉ ऑफ लैंड में कहते प्रूव इट, इसने इसके साथ ये मारा इसको, ऐसा वो सबूत देता है उसका। तो आज का आदमी पढ़ा लिखा विद्वान है, ऐसे मान लो भगवान है उसमें, मान लो उसमें है मेरे में, आज मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे जैसे आदमी कैसे भगवान होगा। तो बात यह क्या है, इसका प्रूफ यह है, 1956 से गुरु जी के पास गया था और मेरे को वो अनुभव राम नाम जो था उसका अनुभव हो गया 5-4 मिनट बैठने से। तो मुझे वो गुरु जी के पास गए, एक ब्राह्मण थे जो स्टेशन मास्टर थे पंडित फकीर चंद जी, अभी उसका आश्रम है वहाँ पर मानवता मंदिर है। तो उनके पास मैंने किसी ने बताया कभी वो है, वो है, कई महात्माओं के पास गया देखा, लेकिन मैं जानना चाहता था क्योंकि आज का आदमी थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया ना, जानना चाहता हूँ क्या कहानी ये थी कि वहाँ पर जाते वो व्यास जो पंडित फकीर चंद जी के पास गया तो मुझे पहले दिन उसका अनुभव हो गया, और वो अनुभव लेता फिरता है। अब उसके बाद में 1962 के अंदर कुछ मुझे और अनुभव हो गया, मैं राष्ट्रपति भवन में रहता था, वहाँ पर मेस था हमारा जैसे होगा, उस मेस में भोजन भाजन कराया करते, तो लकीर पीटा करते अंग्रेजों की, के वो डिनर डाइट करते
दो रात होती थी, हमें साथ सब शामिल होते, सब बताना पड़ता था। तो वहाँ पर बैठे बैठे मुझे और अनुभव आया, वो पूछने के लिए मैं खुद गया, और वो देखने बाद में एक काम करने लग गया। उसने कहा, महाराज जी ने कहा कि तू ये सच्चाई बताता रह कर, जो तेरी समझ में आता है वो बात बता दिया कर, ठीक है। पहले तो मेरे समझ ही नहीं आई कोई बात, जब समझ आई तो बात बताने लग गया। तो ये बात क्या ही कि वो तो परमात्मा उसमें, क्यों कि मैं जो काम करता था, सत्संग सत्संग देता था, कहीं कुछ लोगों में मेरा रूप प्रकट होने लग गया, और वो कहने लगे कि आप आए ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, और मेरे बाप को पता नहीं इस बात का। और महाराज जी पूरी उम्र ये कहते थे, मेरे गुरु जो थे पंडित फकीर सिंह जी, कि बाहर से न कोई देवी आती है, न कोई देवता आता है, न कोई राम आता है, न कोई भूत आता है, ये इंप्रेशन और सजेशन पड़े होते हैं दिमाग के अंदर, और वो ही प्रकट हो जाता है। और जो ये बोल रहा है ये इसका इश्योरेंस है, तो ये मन के मंडल पर करके वो पैदा करके दिखा देता है, ऐसी बातें बताते। और वो फिर बात मेरे समझ में आ गई, वो बात ठीक करे महाराज जी। तो जब मैं जीवता जागता नहीं जाता हूँ अभी, अरब तो हर जगह है, हर गांव के अंदर, हर शहर में अच्छे अच्छे आदमी रूप होता है, पढ़े लिखे आदमियों पर, इंजीनियर हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान, जो विश्वास कर जाते हैं बात पर, और वो अपने गुरु पीर का ध्यान करते हैं, तो मेरा रूप प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग जचती है, मेरी कोई बात जच जाती है, और मैं नहीं जाता। वो कहते हैं आपने ये किया, मेरे को बचा लिया मुसीबत से, मैं नहीं जाता, मैं नहीं होता, मुझे ज्ञान नहीं। तो किस में वो शक्ति, वो मानने वाले में शक्ति है, वो शक्ति आप में जो रूप पैदा करते हो। अगर वो शक्ति मेरे में होती तो मेरे अंदर तो प्रकट होता, मेरे मन में तो होता। वो शक्ति मानने वाले में है, कोई बाहर से नहीं आता। राजस्थानी में कहते हैं, संतो कहीं आवे कहीं जाए, बोले रही खबर करो। अरे क्या अर्थार क्या जाता है, बोल क्या रहा है, इसका अनुभव कर लो, बात खत्म हो जाती है। तो आपके अंदर वो ईश्वर अंश आप हैं, जो मैंने समझा, और आपको पता नहीं। मजे की बात यह कि आपको उसका ख्याल नहीं, अज्ञान है आपको कि वो पता नहीं कहाँ है, और इसके लिए भटकते फिर रहे हो। क्यों कि मैं देखता हूँ जगह जगह सब आदमी, कोई तो मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है, कोई कहता वो गुरु पूरा है, कोई कहता वो गुरु अधूरा है, मतलब भटकता फिर रहा आदमी। और परमात्मा जो बोल रहा है उसके अंदर है। प्रूफ क्या है, मैं बता रहा था, मैं जीवता जागता नहीं जाता, किसका राम आता आप में? अरे राम का अंश तो आप खुद हो, राम के ऊपर विश्वास है, ये बोलने वाली चीज़ है, मन पर ले आकर वो दिखा देता है, कृष्ण पर है तो वो दिखा देता है, मोहम्मद पर है तो वो दिखा देता है, किसी गुरु पीर पर वो दिखा देता है। अब ये बात अब गुरु पीर हम बताते नहीं, और बताते हैं तो बड़ी ऐसी बात से बताते हैं, समझेगा नहीं आदमी। बताइए पहले, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप हिंदू तो हैं, सब जानते हैं, रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सह सुखराशी, सो माया बस बंदेव गुसाई, आप ही बंदेव मरकट की नाई। इसका भाव ये उनकी छुपाई का कि मनुष्य ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है, तो तकलीफ इसको क्या हुई। एक उदाहरण देते हैं, मरकट कहते बंदर को, कि आप ही फंसो किसी का काम में, आप ही बंदे मरकट की नाई, जैसे मरकट बन जाता, कैसे मरकट जैसे घड़ा है, ऐसे इतना सुराग उसका, उसके अंदर हाथ देता है, ऐसे हाथ दे करके मुट्ठी खोल देता है और लाडू से मुट्ठी भर देता है, लाडू से मुट्ठी भर करके अब वो हाथ तो खोलता नहीं, क्यों ज्ञान नहीं उसको, और वो घड़ा साथ साथ दिए घूमता है। इसी तरह ये आदमी सब चीज़ों को साथ साथ दिए घूमता है, इसको ज्ञान नहीं, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा मेरा, और हवा निकली दो मिनट में सब यहाँ ही रह जाता है। इसको इस बात का ज्ञान नहीं आता कि कभी हवा निकलेगी तो फिर यहाँ ही रह जाएगा, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और सब देखते हो वो जानवर ले जा के घर से, आप लोग गणा पेरे बैठे, कोई ले जाती है, कोई थोड़ी बहुत ले जाती हुई चीज़, कुछ कौन ले जा, ये सब यहाँ का माल यहाँ ही रह जाता है, इसको ज्ञान इस बात का निश्चय नहीं होती। तो मरकट कहते हैं बंदर, बंदर अच्छे घड़े हाथ दे कि वो खोलना नहीं आता, अगर उसको ज्ञान हो तो खोल दे, हाथ निकाल ले। ये चौपाई रामायण की लिखी है, तो इसका मतलब कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पहले बताइए अपने इशारे में बताइए, कबीर ने बताया तो इशारे में बताइए, इन महात्माओं ने उस बात को पहली करके बता दिया, ऐसी उलझन करके बता दिया, समझ नहीं सका आदमी, बताइए पहले इस बात नहीं, किन को बताई, अधिकारी को, जिन सेवा करी सोते हो सेवा करेगा, और अधिकारी हुआ तो उसको बताएंगे नहीं बताएंगे। और ये ज्ञान बात भी ठीक है, शायद उस समय ये बात रही ठीक होगी कि अधिकारी को बताना, हरे को बताना नहीं, तो मैं बात बताई ये बतानी नहीं चाहिए साधारण, क्यों क्या आप राम का ध्यान करते हो और आज राम के पक्का मानते हो, और आज मेरी बात सुन के आपका विश्वास टूट जाएगा तो जुल्म नहीं है,
मेरी बात सुन के वो टूट जाए ना विश्वास, भाई क्या कुछ आता ही नहीं बाहर से, तो आज से वो बनेगा नहीं आपका, तो मन तोड़ने वाली बात होगी कि नहीं। पर मेरे को उसकी बात की बात नहीं थी, मेरे को गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि बुद्धिमान आदमियों को ये तू सच्चाई बता देना तेरे अनुभव जो है, जो आज तक खोली नहीं गई। मैं बताता जा रहा हूँ, पर मेरी तो उम्र गई, अब मैं जा रहा हूँ, वो भी मेरी तरह 90-95 साल की होगी मेरे, तो उन्होंने कहा ये बता देना। तो मैं चाहता हूँ अपनी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को ये बात बता दूँ, 4 दिन की जिंदगी कर चले जाऊँगा। दूसरी बात क्या है कि नहीं मेरे कोई आश्रम है, मुक्त हूँ, जीव से मुक्ति अवस्था होती है वो हम नहीं समझते नहीं। मुक्त का मतलब मेरे मालूम है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, यानी कोई मेरा अपना खत्म हो गया, क्यों खा पी लिया सब, भूखा आदमी होता है, मकान दुकान बना ली सब कुछ, ऑफिसर हूँ अफसर रहा पूरी उम्र, लोग काम करते रहे, कोई तो मेरे बूट साफ कर रहा, कोई मेरे कपड़े साफ करता, कोई मुझे रोटी खिलाता है और बाहर निकलता राम राम साहब सलूटा सलामा मिलती थी, तो वो भोग लिया सब, सब खा पी ली सब कुछ, और फिर गुरु जी मिले तो पहले दिन वो ज्ञान मिल गया, वो जिस ज्ञान को लेकर के आदमी तो मुक्त होता है, जीवते मुक्ति का अनुभव कर लेता है, वो अवस्था मिल गई, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो बात मैं बताना चाहता हूँ कि सत कहाँ है आपके अंदर, तकलीफ क्या है, आपको इसका ज्ञान नहीं, तो ज्ञान न होने से क्या बहुत दुखी हो रहे, बिना ज्ञान के दुखी हो रहे आदमी। अब पहली बात हम गृहस्थी, मैं गृहस्थी वाली बात करूँगा, क्यों मैं महात्मा तो हूँ नहीं, और न कोई सन्यासी वाली बात करूँ, मेरी नजर में पहली बात तो कोई सन्यासी है नहीं, पर यह बात तो नहीं हो सकती, जरूर कोई इनको एक दुखा होगा कहीं दो चार सन्यासी, जिसको कहते हैं सब कुछ, उसने सब कुछ उड़ा दिया, फूक फूक मार दिया, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तू ही है, एक या कह दिया एक है, वो मुसलमानों ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, हिंदू ने कह दिया एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ती, और सब नासवान है। तो वो इतनी सारे में तो बता दी, फिर वो आगे तेरी समझ आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अज्ञान से दुखी है, ये छोटी सी बात बताऊँगा, क्यों पूरी तो नहीं बता सकता। तो पुस्तक मंगाई है, दिलबाग सिंह ने मंगाई है, वो आपको दो दो चार चार पांच पांच देंगे, और उसके बाद जो चाहते हो तो हर जगह मेरी किताबें हैं, यहाँ पर दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी है, हर शहर के अंदर, और वो विद्वान लोग पढ़ते हैं, कुछ लंबी थोड़ी बात नहीं, सब शास्त्रों का सार अनुभव है बात का, तो सब जगह चलती है। तो आपको ये देंगे आज आपको, मेरी बात जो नहीं समझोगे आ गए वो किताबों को पढ़ने से आपको सब समझ आ जाएगी, अगर पढ़े लिखे हो तो। और नहीं क्या करना, डॉक्टर कमला जी के पास में चिप्स हैं छोटी छोटी, 17 सत्संग तो मेरे गुरु जी के हैं उसमें, बिल्कुल बहुत ऊंचे दर्जे के सब, जो आखिरी जो आपको जाते हैं कहाँ तक, और उसके बाद में 17-20-18 दूसरे महात्माओं के शब्द हैं, कबीर का, ब्रह्मानंद जी का, और अच्छे अच्छे महात्माओं का ज्ञान के, बड़ी अच्छी लाज ताल के अंदर है। और फिर उसके बाद में अगर आपको समझ में वो आजाद नहीं आए तो उसको सुन लेना आप, तो मतलब तीन चीज़ बता दी, पर तो मैं सत्संग दूंगा उससे समझ लेना, वो थोड़ी सी बार दूंगा मैं सत्संग, क्यों 100-150 दूंगा, और उसके बाद वो मेरी किताब है वो आप पढ़ लेना आप, और पूरी नहीं पढ़ते फिर वो पूरी मंगाई पढ़ लेना घर बैठे, वो इसलिए पढ़े देखे आदमियों के लिए हैं, वो जाते तो है नहीं सत्संग में, सच्चाई जानना चाहते हैं तो वो ले जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो आप तो बुद्धिमान हो पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद कोई शंका हो नहीं वैसे पूछ सकते हो, मैं ज़्यादा रहता हूँ ये रहता हूँ कि चारों तरफ से देश से फ़ोन आते रहते हैं, मैं फ़ोन पर ही देता हूँ कि जो कुछ लेना मेरे फ़ोन से ले रहे, भाई कहाँ आएगा कान बोल जी आपसे मिलूँगा, मेरे पास जगह ही कोई नहीं, कहाँ बैठाऊँगा तेरे को, नहीं तेरे को क्या जिमाऊँगा, कोई विदेशी कहते हैं काम जिमाने के लिए भी नहीं है, तो जब मैं आता हूँ आप इधर से ले रहे मेरे से, क्या पूछना मैं यहीं से बता देता हूँ, क्यों नहीं मैंने सलाम सलूट लेनी उससे, न कोई पैसे लेना मैंने उसको, तो वो कहता भाई जो बात है वो टेलीफोन पर पूछ ले मेरे को, टेलीफोन है आजकल। तो आपको मैं बताता हूँ पहला ज्ञान इसको क्या है, मैं अपने से शुरू करता हूँ गृहस्थियों को, पहला ज्ञान ये है कि हमको पता नहीं, एक विचार आया सुबह सवेरे चला गया, दूसरा विचार आता चला जाता है, तीसरा विचार आता चला जाता है, एक विचार आता वहाँ रुक जाते हो आप और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हो, अगर प्यारा विचार है तो खुशी से खेलते हो, कैसा करूँगा फिर उसको मैं ये करूँगा, उसको कपड़ा दूंगा, उसको ये करूँगा, उसकी मदद करूँगा, और घटिया विचार है तो कहते हो उसने ये किया मेरे साथ, उसने ये किया, उससे ये किया, तो घटिया विचार जो है उसमें तो आपकी ईर्ष्या द्वेष नफरत होगी, गुस्से से बात करोगी, और बढ़िया विचार जो होगा उसमें प्रेम होगा कि वो आएगा तो उसके साथ ये करूँगा, ये खाना खिलाऊँगा, ये बात करूँगा, ऐसे करूँगा, भाई वो आशीर्वाद दूंगा, उसकी मदद करूँगा, जो ऐसा विचार मीठा है वो विचार भी ब्रह्मांड में चले जाते हैं, जो मन ही मन सोचता है वो विचार ब्रह्मांड में प्राकृतिक तरीके से रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं टेलीफोन वगैरह पर, ये तो इंटरनेट पर चले जाते हैं, वायरलेस वगैरह पर, इंटरनेट से कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहे हो ग्रह लटका रखे उससे नंबर के ऊपर आएगा,
और वो जो विचार है प्राकृतिक तरीके से सीधे ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऊंची स्थान पर, और उधर से ब्रह्मांड में किसी खास लहर से टकरा के उचित समय पर जब वो यहाँ आएगा तो अच्छा विचार है उसका तो फल अच्छा होगा, मन को खुश होंगे आप, उमंग आएगी आपको, बोले देखो ये है मेरा बेटा पहला नंबर हो गया, RS बन गया, IAS बन गया, ये बन गया, या मेरे को ये लाभ हो गया, ये हो गया, अच्छा विचार होगा वो तो। और घटिया विचार जो होगा आपका मन दुखी होगा, कैसे दुख होगा, कोई मोटर की दुर्घटना हो जाएगी आप नहीं चाहते, नई मोटर लाइट टूट गई दुखी हो गए, या किसी का हाथ टूट जाएगा आप नहीं चाहते, या कोई आदमी मर जाएगा नहीं चाहते, या फिर कोई घर में लड़ाई हो जाएगी आप नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा, आपसे कोई चोरी हो जाएगी आप नहीं चाहते, दुखी होगे। जो घटिया विचार का फल मिलेगा आपको उसके अंदर क्या होगा कि आपको मन दुखी होगा, और फिर अगर और कुछ बीमारी आ जाएगी, कोई बीमार हो जाओगे, वो बीमार जाओगे तो डॉक्टर आपका सब कुछ टेस्ट करा देगा सब, और वो कहेगा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और रोग को पहचान नहीं सकेगा, कर्म रोग को पहचान नहीं सकता वो जब तक कर्म नहीं करता। तो बीमारी वाला काम देखते हो आप, कोई न कोई घटना ऐसी होगी जिससे मन के प्रतिकूल दुख मिलेगा आपको, किससे, घटिया विचारों से, कौन से, बाप बेटे हैं घर में नाराज हो गए बात में, कुछ बाप ने कह दिया बेटा नाराज हो गया, अब वो नाराजगी का हालत में जो सोचेगा मन ही मन के, ये मेरे साथ ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, मैं बोलूँगा बताऊँगा ये करा था ये करा ये करा, वो कुड़ता रहता है, वो विचार ऊपर चले जाते हैं और आते हैं तो घर के अंदर आफत आती है। दूसरी बात, सास बहू है, अब बहू आ गई भी उसके अपने संस्कार उसकी माँ का दादी का नानी का, और सास है बिल्कुल अप टू डेट, तो वह चाहती है अप टू डेट सुई के नाका में निकालना चाहती है, ये बर्तन, ये बर्तन धोया था, ये अरे सब्जी बनाई से खा के देख तू, अरे ये कपड़े धोए से हैं, मतलब उसको रखेगी से ऐसे कर दो, और भू नाराज हो जाएगी, उसको किसी ने टोकिया नहीं है, माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया आजकल घरों के अंदर, अब वो जो सास बहू का जो आपस में कुटना है वो विचार ऊपर चले जाते हैं रेडिएट होकर ब्रह्मांड में, और आते हैं तो घर में आफत आती है, कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी तकलीफ हो जाएगी, कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी पैसे की कमी हो जाएगी, कभी रोग लग जाएगा। आम आदमी इस पर कोरो है, राष्ट्रपति भी कोरो, इस ज्ञान का पता नहीं है, और बहुत पढ़े लिखे विद्वान को भी नहीं है, अगर विद्वान पढ़े लिखे होता तो डॉक्टर कमला जी कैसे मेरे से बात करती, और जो मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ शिमला वगैरह जो यूनिवर्सिटी पर विद्वान हो तीन तीन चार चार PhD करे फिरते हैं वो मेरी बात सुनते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं, वो फिर कहते हैं कैप्टन साहब आप जो बात कहते हो तो मेरे साथ भी हम भी करते हैं, हमें ख्याल नहीं था, हम तो भी गुस्सा, और कोई कहे जानते तो हैं कैप्टन साहब, फिर मुँह से निकल जाती है यार तुम दिल दुखाते हो घर में जाते हो अपनी पत्नी का, तो हमको दुख क्या है, जो हम घर में कड़े करते हैं जो बुरा सोचते हैं बोलते नहीं चुपचाप, और वो ऊपर चल जाता ब्रह्मांड में, और जाके आता तो घर में आफत आती है। तो कोई कहता पितृ दोष है, कई पितर को मानते हैं, और मैं कहता हूँ वो बूढ़े पितर बैठे नहीं बैठे उनका दोष है, सास बूढ़ी है अभी काम नहीं करती, वो जानती था भूखे कर रही है बाहर बैठी है, उसको पूछती नहीं कि बूढ़ी क्या करेगी, अपना बच्चों को देती है ऐसे, बोले भाई हमको कौन पूछेगा, वो कुटती रहती है और वो विचार ऊपर जाते रहते हैं, और आते हैं फिर वो तकलीफ ले जाते हैं। आई समझ में बात, हर घर में यह तकलीफ है, कोई घर बाकी नहीं, पूरी दिल्ली वाला अगर इकट्ठा होगी या मेरी बात सुन ली कि आज से आगे मैं कभी नाराजगी का विचार ही नहीं रखूँगा, क्या मैं मन को साफ रखूँगा, करेगा सो भरेगा, सास करेगी सास पाओगी, भूख रहेगी भूख पाएगी, जब करनी का फल है जहर खा वो मरे, तो सास अगर कूड़ा विचार रखती है कुछ तंग करती है भूखा तो वो सास पाओगी, और भू नहीं करती वो नहीं पाएगी, अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये घरेलू तकलीफ नहीं होंगी, यदि इतनी बात रोग शोक जितना वो नहीं होगा, एक तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोग दुखी इस बात से, एक अपने देश में नहीं सब पूरे ऊपर से नीचे तक, ये मेरी बात अगर पुरुष ध्यान से पढ़ दे और इसका कोई व्रत कर ले, गोस्वामी तुलसीदास जी को किताब लिखते लिखते पता लग गया, तो उन्हें ये मेरे वाली बात कही, कैसे कही इशारे में, उन्हें कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में अच्छे विचार हैं अच्छी मति है प्रेम है खुशी है तो वहाँ संपत्ति नाना, तरह तरह की संपत्ति संपत्ति है, गाड़ी घोड़े वगैरह मकान दुकान बेली वगैरह सब कुछ है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, जिस घर में प्रेम है सब मिलकर रहते हैं कोई रुसामनी नहीं करता नाराजी नहीं, तो उस घर के अंदर कोई कमी नहीं है, क्या ऐसे घर हैं, हाँ मैं जाता हूँ देश में विदेशों में ऐसे घर हैं बहुत से, तो इस हद में हद तक ज़्यादा रहते हैं, वो जानते नहीं नाराजी करना, सास बहू को जानते ही नहीं, भूखो बेटी करी मानते हैं उसको बड़े प्यार करते हैं, हर बार माँ करके मानती है, ऐसे घर हैं, कोई किसी को बुरा होता है कड़ा बोलता ही नहीं,
ऊंची आवाज बोलते नहीं तो अच्छे आदमी भरे आदमी, उन घरों में मैंने देखा कि वो कड़ा ऊंचा नहीं बोलता, वो आस्ते ऐसी बात कर लेते हैं, हंसते रहते हैं, आपस बात करते हैं, मुस्कराते रहते हैं, कोई नाराजगी बात तो मैं जज करता रहता हूँ, जाता रहूँ तो रक्त बुलाते मेरे को, तो ऐसे कर हैं ये बात नहीं कि नहीं, बहुत कम, और उन घरों में कोई तकलीफ नहीं है। तो तकलीफ क्या है इस मनुष्य को? अज्ञान की। अज्ञान क्या है कि हम जो नाराज होकर के सोचते हैं सास के प्रति, भूख के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, नौकर के प्रति, पड़ोसी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, और दूसरे और किसी के मनुष्य किसी के प्रति बुरा सोचते हो तो वो बुरा विचार ऊपर जाता है और वो दुख लेके आता है आपके लिए भी और उसके लिए भी, और ये तकलीफ है सबको। अगर ये बात समझ आ जाए और कोई ऐसे नहीं आएगी वो तो आपको व्रत करना पड़ेगा तकड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखते लिखते रामायण, उनको ध्यान में आ गया कि कड़ी बात करने से भी आग लगा, दिल दुखता रहा कोई बुरा है, तो उन्होंने कहा एक चौपाई लिख दी, अब हम कहे बकत उठाकर स्वाति नहीं तो मौन रहे दिन राति, आप आगे तो बोलूंगा ऐसी बोलूंगा सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो रात दिन चुप रहूंगा, व्रत कर लिया उन्होंने। इसी तरह अगर आप व्रत कर लें कि मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, करेगा सो बुरेगा, मैं क्यों सोचूं बुरा करेगा वो पाएगा, अगर ये बात सोचती तो आपके लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो भाइयों अगर ये एक बात समझ में आ जाए कि अपने विचार जो हैं शुद्ध कर लो, सुंदर बना लो, इसका एक ही नाम है शिव संकल्प मस्तु। ऐ मनुष्य तू सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ अपने घरेलू बात कर रहा हूँ, तो मैं घर का आदमी हूँ, मैं से जानता हूँ। अगर कोई अभी ब्रह्मचारी होगा तो आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता, वो ब्रह्मचारी चला जाता है उसके अंदर ब्रह्मचारी एक शक्ति होती है, गृहस्थ वगैरह वो काम करता नहीं है कभी, बहुत शक्ति रहती है माथे में, वो जब ध्यान करता है पर सफेद रंग के प्रकाश में खेलता है, मस्ती आनंद देता रहता है। अब उसको क्या पता, जाके पैर ने फटी बिवाई वो कह दाले पीड़ पर आई, तो गृहस्थी को गृहस्थी बता, मैं गृहस्थी हूँ ना तो आपको बता रहा हूँ कि ये तक वो बताते हैं सारे में, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। कोई ब्रह्मचारी गृहस्थी को क्या ज्ञान देगा हमको, ये सासू भूखी लाई, बाप बेटे की, भाई भाई की, ये खंचाताली नाराजी का क्या ज्ञान देगा, बुधरा तो होता ही नहीं किसी में, वो ध्यान करता है फट प्रकाश में चला जाता है और प्रकाश के अंदर मस्ती लेता रहता है, फिर पैदा होता फिर भी से उसी में जाता रहता रहता। तो एक तो ये कमी आदमी के अंदर अज्ञान, एक कमी बताई मैंने एक अज्ञान की, यह अज्ञान है उसको और इस अज्ञान के कारण दुखी है। अब पूरा गांव ही नहीं है, पूरा गांव की बात छोड़ दो, मैं पूरा दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपको, जो मेरा हो सकता है गलत हो ये देखिए, क्योंकि मेरे को बताया जो अच्छे गुरु पीर को अच्छे आदमी बताते हैं कि ये तो सब कमी है कैप्टन साहब हमारे में भी है, क्यों मैं क्यों नाम लेता हूँ बड़ा बड़ा लेता, मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद के पास, जब वो राष्ट्रपति बन के आया भारत का 1950 में, तो मैं राष्ट्रपति बनने थी मेरी यूनिट और यहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, तो मैं जाता था वहाँ पर उसको भी देखता था, वो विदेशियों से बात करता वो भी देखता था, स्टेट टूटी राजे महाराजे जा गिड़गिड़ आते वो भी देखा मैंने, क्या वो जो भी उसका दमा चढ़ता था तो बुरी तरह से बहुत बीमार कपड़े काड़ी काड़ी फेंक देता था, पीए वगैरह पहनाते थे, तो मेरे बात समझे ओहो राष्ट्रपति का पद तो इतना ऊँचा और जो दुखी इतना से चपड़ा सी खुश है, गीत गाता गाता जाता रावण लेता पापा पापा करते हैं पत्रिका दी खाओ दी, ये राष्ट्रपति होते हो दुखी था, जब चौकिंग होती है ना दमे की, जगह दमे होता है वो जानते हैं कि दमे की शिकायत होती है, जी नहीं करना होता तो वो फेंकता कपड़े वगैरह कुछ नहीं चाहता और उल्टा बोल देता है, तो वो तकलीफ उसको भी थी। इसलिए मैं एक आदमी को अच्छे अच्छे आदमी की संगत करिए, सब ऑफिसरों के अधिकारियों की सदा से कि ऑफिसर ग्रेड में रहे हूँ हमेशा के लिए, ऑफिसरों के ग्रुप में समाचार वगैरह लेता रहता हूँ देता रहता हूँ, उनकी हालत सबकी देखी, अभी देखता हूँ जाता हूँ मेरे साथ ताल्लुक अच्छे आदमी है IAS IPS जजेस डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर या आपके वकील वगैरह, इनके बार एसोसिएशन में सत्संग देता हूँ, वकील जो बैठे बार हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट के कलेक्ट्री कोर्ट के, और वो पूरा मेरा सत्संग सुनते हैं और सुनने के बाद फिर वो कहते हैं कैप्टन साहब बात तो ठीक करे हो आप, समझे ना बात, तो वो एक की बात नहीं है और वो किताबें मंगाते पढ़ते रहते हैं, और मैं कुछ बनाया को नहीं, मेरे बात समझ में आ गई खुशी हो गया उस बात, और वह बात बांटना चाहता हूँ आपको, तो क्या करो एक ही बात अगर हो तो व्रत कर लो आज कोई तकड़ा, क्या आज से आगे मैं नाराज नहीं हूँ सास से एक बहू से, कोई बात गलती हो जाती है, अगर बहू आती कोई चीज़ गई मटका फूट गया दूध था गया तो ये बोलते बेटा कोई बात नहीं मैं भी पड़ गई थी एक बार कोई बात को नहीं और जाओगे तब तो आप धर्मात्मा हैं, और बटा फूट हाय फूट दिया ने बस यही सीखिएगा माँ के पास से यही सिखाई तेरे को जले पर नमक और छिड़क देते हैं हम मतलब तो कोई गलती हो जाती है तो उसको और दो बात ताना दे देते हैं
और वो उससे दुखी होता और वो ताना ऊपर चले जाता है, वो दुख लेके आता। तो मेरे ख्याल में इसी इतनी बात को बताना काफ़ी होगा, इतना काफ़ी होगा, समझ गया ना बात। और कई तरह की इसका अज्ञान की क्या, तो अज्ञान क्या है, इसको ये पता नहीं मैं क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ। हेलो, न किसी को भी नहीं पता, आपको बड़े से बड़े छोटे छोटे। तो जानने की क्या चीज़ है ज्ञान में, अपने आप को जानना है। बात छोटी सी है, ये बोल क्या रहा है और जानने कहीं जाना है, बिलाई जाना है या हिमालय पहाड़ में जाना है ना, आपके अंदर ही सब कुछ है। आपके जो कहते हैं जो ब्रह्मांड में पिंड में है, आपकी छोटी सी खोपड़ी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, सब छोटे रूप में सब कुछ है। तो जानने के लिए क्या करना, अपने आप को जानना है। ये कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन ऑल एंड एवरीथिंग, खुद को जानना सब कुछ है धर्म वाली बात। और वो करना क्या पड़ता है, वो आपके अंदर ही। मैं जानता हूँ आप उसके गायक नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, पर मैं तो बताऊँगा क्योंकि मैं बैठता हूँ। तो डॉक्टर कमला ये कहती है हमेशा कि आप वो योग की बात बता दो, तो मैं कहा को करने का अधिकारी तो नहीं है, कहते नहीं बता दो आप, क्योंकि लोगों को पता नहीं है मालूम हो। और उसको कहते आत्मा, प्रकाश सफ़ेद रंग का है, और वो जो सफ़ेद रंग का प्रकाश देखता है वो फिर नीचे नहीं आता। उसके जितने कर्म हैं यहाँ बुरा कितना ही करेड़ा है, वो सब ज्ञान की अग्नि से चढ़ के भस्म हो जाते हैं। लेकिन वो तब ठहरता उसमें जाता है जब उस दिन के कर्म जो सब ज्ञान की अग्नि से जल के भस्म हो जाते हैं, तो प्रकाश में रहता, वो सफ़ेद रंग का प्रकाश है और वो यहाँ तक का इधर तक इसे बता देता हूँ आपको। और दूसरा ये कि उसको वो है क्या, वो परमात्मा के चरण हैं, गुरु का चरण कहते हैं, गुरु का चरण पूजो, चरण पूजो, चरण चरण वो नहीं है। गुरु का चरण ज्ञान है, ज्ञान का चरण चरण क्या है, प्रकाश सफ़ेद रंग का। और लोग चरण पर मारे माता ये मारे, किसी हद तक ये ठीक है, श्रद्धा है, पर ये वो बात नहीं। असली बात गुरु का चरण प्रकाश है, तो प्रकाश में चला जाता है, वो मस्ती कुछ लेता है और उसका रास्ता तो मुक्त हो जाओगा इसी जिंदगी में या अगली में दूसरी में। अगर नहीं है तो हमारा ब्रह्मचर्य गिर गया है शुरू से। आजकल बच्चों को 15-15 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चों को गिर जाता है। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, लड़के लड़कियों को ये नहीं कहता पीजी को कि तुम राम राम करो, किसका राम राम, तो उनके अंदर ही है, ये बोल रहा वही तो है। उनको मैं वो चीज़ बताता हूँ जिससे वो सुखी रहें। उनके नुक्स क्या है कि अब वो मेच्योरिटी मारे, अब उनकी उम्र बन रही है, उनका मांस मज्जा अक्कल वगैरह सब बन रही है, और अब वो काम में बह जाते हैं, इन विषय भोग में बह जाते हैं काम मुक्ता में, तो उनकी बहुत गिरावट आ जाती है मन से और शरीर से। मन से क्या गिरना है, मन से अगर लड़का लड़की की फोटो देखता रहेगा ऐसे जवानी आने के बाद में, तो वो फोटो देखते 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 वो लड़की रात के टाइम पर सपने में उसके पास ही आ जाती है और वो शक्ति गिर जाती है, एक बात। दूसरी बात है अगर वो फोटो नहीं देख के नाच गाना देखता रहता है, वो काम मुक्ता भोगता तो गिर जाता है, बस शक्ति निकल जाती है। बस शक्ति इसके अंदर खास है, जो इसके अंदर क्या है कि बस शक्ति कैसे बनती है, एक दिन भोजन अगर पचता है एक बूंद खून की बनती है, 40 दिन का भोजन होता है 40 बूंद खून की बनती है, 40 बूंद खून की से एक बूंद ऊर्जा की बनती है, स्टेमिना हिम्मत हौसला उमंग, और 40 बूंद ऊर्जा की होती है तो एक बूंद वीर्य की बनती है जिससे आदमी पैदा होता है। और वो जो बूंद बनती है वो जब अंदाजा लगा लो कितने खून के बाद बनती है, और वो अगर ऐसे खो देता स्वाद के लिए तो अपनी शक्ति खो दी, थोड़े दिन पागल हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, काम करने जी नहीं करेगा, रोग टेक करेंगे। तो ये जो ये चीज़ का ज्ञान नहीं है, न तो माँ बाप दे सकते हैं इसके बच्चे को, लड़के लड़की को, और न गुरु को भी हम देते हैं। आश्रम में जाते हैं देखते हैं ये देंगे भाग जाएंगे लोग, सब बोलेंगे कुंड अभी तो गलत बात कर रहा है, लोग कहते हैं और स्वाद क्या है भाई। तो वो बात है, ये कमी आदमी के अंदर, जिसका ब्रह्मचार्य बनाया वो फिर प्रकाश का ध्यान करेगा। और वो दोबारा से अगर अभी चलते हैं ब्याह शादी कर ली, एक दो बच्चा आजकल पैदा करते हैं और उसके बाद कहता चलो भाई अब ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, आप दोनों शक्ति काम करेंगे तो उनकी ताकत बढ़ती जाएगी। मरने तो गए, वो बूढ़े कौन है, क्या करूँ अभी, मेरे उठा कौन सा, ये ऐसी बात नहीं करेंगी, उमंग रहेगी उनके अंदर भाई। बूढ़े तो होके मरना तो होता है टाइम पर वो बूढ़े वाली बात नहीं करेंगे, वो उमंग रहेगी उनके अंदर बढ़ते दम तक। तो वो शक्ति आपके ब्रह्मचारी उसका ज्ञान नहीं हमको, इससे ज़्यादा कमजोरी है। तो वो जो पालन करेंगे तब वो साधन वगैरह सब कुछ कर सकेंगे। अब कहते थे डॉक्टर कमला के बता दूँ, बता दूँ कि मैं जानता हूँ भाई अपने आदमी सब, तो मैंने बता तो मैं देता हूँ, अधिकारी नहीं, ये मेरे से ये पूछने के लिए नहीं आए, कोई मुक्त होने के लिए आए नहीं आप, ये जो मैंने बात बताई इसके लिए अगर बात है तो गांठ लगा लो कि 4 दिन की ज़िंदगी मैं बोलूँ कौन, खोटी बात बोलूँ कौन, कड़वी बात बोलूँ कौन, ताला लगा लेता हूँ। और अगर केंद्र मेरी सास फूटी है तो उसे आशीर्वाद दूंगी। कितनी बेटियाँ हैं आप में से जो सुबह की टेम्पर उठ करके अपनी सास को चरण स्पर्श करती,
सुबह उठते ही परी जाती हैं, ठीक है मैं समझूंगा, ना बिजी नहीं है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, हाथ कर दिए खड़ा मैं देखता हूँ एक अंदर कुछ, पर बाकी नहीं। तो क्या मतलब है, सुबह उठो आप, सुबह उठते ही अपनी सास का चल स्पर्श कराओ, उसके दिन उनको सारा सा दूर जाएगा। शाम के टाइम पर बूढ़ी है तो उसको थोड़ा सा मुट्ठी चप्पी कर दो, दो मिनट पाँच मिनट ले माता जी आपका पैर दबा देती हूँ, अरे नहीं ना आजकल अच्छी नहा दो, आजकल साबुन आ रही है बहुत खुशबू वाली अच्छी, ला के बूढ़ी को नहा दो अच्छी तरह से, पर राजी होगी, देखो कैसे साबुन से नहाइए, अच्छे कपड़े पहनाओ उसको, अच्छे कपड़े पहना के राजी होगी। और अगर आपके पास और है तो आजकल महक आ रही है, लेते लगाते महक तो अच्छी खुशबू होती है, वो बोले आके एक फुआ और आप दादी माँ को बूढ़ी को दे दो, रजाई में देखेगी खुशी रहेगी उसको, वो उसकी आत्मा कहेगी देखो जी मेरी भूख कैसी है, मेरे को नहाती है धुलाती है कपड़े देती है, आपका आशीर्वाद का फूल बांध देगी, आशीर्वाद से तो हम फलते फूलते हैं और दूसरी से हम नीचे गिरते हैं, आई नहीं समझ बात, तो घर में कर लो ये बात। अब घर में कहते हैं गुरु गुरु गुरु, अरे गुरु माता गुरु पिता, पहले माँ बाप गुरु हैं, माँ ने सिखाया ऐसे कर बेटा ऐसे कर, बाप ने सिखाया ऐसे कर, और माँ बाप को जो सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, आई एस बन के खुश होंगे आप या आई पी एस बन के खुश होंगे, कुछ नहीं धक्का खाते हैं, मेरी मुलाकात रहती है सबसे बड़े आदमियों से तो परेशानी में रहते हैं, वो आई एस आई पी एस बड़े बड़े आदमी ने तो क्यों, कि वो माँ बाप का आशीर्वाद नहीं देते, आई समझ में बात, तो जैसे बड़े बन गए तो बड़े ठीक है अच्छा है, बहुत बड़ा पड़ रखो वहाँ पर, लेकिन घर में माँ का तो बेटा बन जाओ, आगे माँ अच्छी बात चाहती है तो माँ के लिए वो बूढ़ी है, माँ मैं कह लाऊँ कोई चीज़ खा तो बता दे खुद जाऊँ, दिल खुश है मेरा बेटा मेरे लिए खाता पुड़ बांधे, आपको आशीर्वाद से बन जाओगे, अरे आशीर्वाद से तो हम बनते हैं दुर्शी से गिरते हैं, तो हम दुर्शी से रहते हैं सब गृहस्थी आदमी है ना हम लोग, तो आप भाई लोग भी जानते हैं कितने के तो आपके पिताजी को सुबह चरण स्पर्श करते हैं, पढ़ाई तो बहुत कर ली आपने सब ने, आजकल कोई पी एच डी करे फिर को कुछ है, कितने हैं जो अपने बाप को सुबह बाप को ताऊ को दादे को चरण स्पर्श करता है, और शाम के टाइम पर जब बूढ़ा तो बोलते दो मिनट बैठ जाता है, दादाजी आपके पैर दबा दें थोड़ा, ले दबा देता हूँ, और जो कपड़े मिले तो बोलते कपड़े मैं धो देता हूँ, अच्छे पहनाओ आपने बाप को दादे को अच्छा कपड़ा पहनाओ, हम देखते ही नहीं, हम तो खुद बने फिरते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो मिलेगा क्या, गिव एंड टेक का सिद्धांत है, इस हाथ से दे से ले लो, सेवा करो सेवा मिलेगी, प्रेम करो प्रेम मिलेगा, दान दोगा धन मिलेगा, और किसी को गाड़ी देगी देख लेना दो चार चलते हुए देख दो दोगा पांच सुन लेना, जो देते हैं वो मिलता हमको, देते तो हम दुख चाहते हैं सुख, कबीर ने उसको ऐसे कह दिया बाए पेड़ बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, सैन में कह दिया कहते बाया तो बबूड़ दिया तो दुख और चाहे तो सुख, तो हम देते तो दुख हैं माँ को बाप को भाई को पड़ोसी को और चाहते हैं सुख कैसे मिलेगा, गिव टेक का सिद्धांत है, तो अज्ञान आदमी को अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो वो जाते वो बिल्कुल करेगा, चरण स्पर्श भी करता है, और जब पिताजी सड़क पर मिले रास्ता सुबह तो वहीं चरण स्पर्श कर देगा, सही सब आशीर्वाद मिल जाएगा उससे और उसका आशीर्वाद काम करेगा, तो हम आशीर्वाद लेना नहीं जानते दूसरी लेते हैं, जब आप सेवा नहीं करते तो आपकी सेवा कौन करेगा, ये बेटियाँ बेटी तुम अगर सास को नलाती धुलाती नहीं हो बूढ़ी है नहीं नार सकती सेवा नहीं करती तो आप क्या उम्मीद करती हो, आपकी बुआ आपकी सेवा करेंगी, हवा खाओ वो मारेंगे आगे छोरी आगे तेज आ रही हैं भाई, अब तुम्हारे तो खोलने अगली जो आ रही तेज बुद्धि है छोरी आएंगी वो मारेंगी फटे फटे बूढ़ी धक्का मारेंगी, क्योंकि जो करेंगी वो तो मिलेगा, तो जो बोएं हम बोई तो उगेगा, तो भाई पेड़ बूढ़ के तो हम सोचते बुरा चाहते हैं अच्छा, तो हमेशा मन से वचन से कर्म से पवित्र हो जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, मन से सपने में किसी का बुरा मत सोचो, ये बात ये नहीं मैं कह रहा हूँ, नवदा भक्ति में लिख रखी है शिवरी बिलनी को बताइए भगवान राम शिवरी कहने लगी अदम ते अदम अदमति नारी त्रिपे नाथ पति मध भंडारी, महाराज जी मैं अदम तो जाति की हूँ और स्त्री हूँ बूढ़ी हूँ तो मेरे को आप ज्ञान कैसे दोगे, तो भगवान राम ने उसको कहा कहें रघुपति सुन भगनी बाता मानो एक भक्ति करना था, ये भान मेरी बात सुन मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ, बूढ़ा जवान जाति पाति मेरे कोई नहीं पूछ, जाति पाति पूछे न कोई हरि को वजेश्वरी का मेरे वो हिसाब नहीं, फिर वो नवदा भक्ति बताने लगे नौ प्रकार की भक्ति बाहर की बताई, बाहर जो अभी करें ना सत्संग ये है उस भक्ति में शामिल है, पर कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति यह है कि संत बड़े सज्जन आदमी जो होते हैं ज्ञानी आदमी उनकी संगत कर, और दूधी रति मम कथा प्रसंगा, बगे दूसरी मेरी कथा सुना कर, कथा सुनते हैं ना रामायण की मांगो, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति माना, तीसरी भक्ति को गुरु धारण करके अनुभवी पुरुष को और उनकी सेवा कर, और चौथी भक्ति बताया मम गुणगान करी तद कपट अभिमान,
चौथी बता के मेरे गुरु की बड़ाई करो कि भगवान बहुत बड़ा होता है, चाहे वो करे अभिमान नहीं रहे। अब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं सोचू मैं बड़ा ज्ञानी बन गया, कोई फायदा नहीं। अभिमान और कपट तज करके चौथी भक्ति बताई। और पांचवी मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास आपन सम भक्ति भजन सुभेद प्रकाशा। कहने मंत्र जाप में कोई दम नहीं है, मैंने 100 मंत्र जप लिए, 500 मंत्र जप लिए, कुछ नहीं है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास आ, मेरा विश्वास है कि इतने मंत्र जप किया काम हो गया, तो मेरा विश्वास काम करता है। और छठी छठी में बताता महिम जग देखा, मैं मेरे में सब जगह को देखता, सबके अंदर वो परमात्मा। और सातवीं भक्ति में वो चोर बताते हैं यथा लाभ संतोषा, लाभ हो गया तो खुशी आनी पड़ेगी तो खुशी। और आठवां सुपने नहीं देखे प्रदोष आ, और हम प्रदोष सारा दिन देखा, प्रदोष देखने से प्रदोष आ जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं वो फलाना आदमी चरित्र ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं तो अपना खराब हो जाएगा। इसको उर्दू शायरी में कहते हैं जब तू होता किसी शख्स पर उनको सुनवा, उंगलियां तीन झुकी रहती तेरी जानब, अरे एक आंगड़ी तो उधर है गुंठा नुटे तीन आंगड़ी तेरी तरफ। तो किसी बुराई करोगे तो बुराई आ जाएगी, अगर राम राम करने से राम मदद कर सकता है तो बुराई करोगे तो बुराई आनी चाहिए। और अपना काम ये है तो आपने तो अचार है चटनी चार दो चार की बुराई नहीं कराए तो शायद रोटी को अच्छी लगे, तो बुराई आ जाती है। तो ये बात पहले दिख रहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे पहले कही पर वो ऐसी बात कही तरीके से खास आदमी समझे, और मैं इसको समझ डायरेक्ट तरीके से कह रहा हूँ, मेरे समझ भाई की ये है बात, वही बात कह रहा हूँ मैं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। शास्त्रों की बात वो है कि मैं भी शायद योगी हूँ, योग का मतलब अब मैं सत्संग दे रहा हूँ आपको। एक योग की एक अवस्था होती है जिसमें सहयोग होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है आँख न बूनूँ कान न रूंदूँ काया कष्ट न धारूँ खुले नैन से हंस देखूँ सुंदर रूप निहारूँ संतोष सहज समाधि भली, सहज समाधि की अवस्था उसमें बैठे बात कर रहा हूँ, आप समझे ना बात। तो मेरे मुँह से वो बात निकलती जा रही है, मतलब मैं पढ़ के नहीं आया हूँ न मैं पढ़ा हूँ, क्या जरूरत है आपको वो बात बोलूँगा। तो पहली बात आपको क्या करना था कि घरों के अंदर शांति रखो, ये तेरी मेरी नाराजगी रखोगा वो परेशानी लेके आएंगी, अगर ये बात समझ में आ गई तो छोड़ दो इसके बात को। भाई आपस में तो मिल के रहो प्रेम से रहो, बोलिया को नहीं 2 साल से तो भला काम कराया क्या उसने, 2 साल बुरा ही बुरा चाहा, इसका लड़का क्यों तरक्की कर गया, इसका ये क्यों कर गया, बुरा सोचा और बुरा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप अपने मन को साफ करो, क्या साफ करो, किसी के प्रति बुरा विचार मत रखो, करेगा सो भरेगा, किसी के मन मत मनुष्य मात्र के, अगर एक बहुत गंदा आदमी है नफरत मत करो नहीं कर्म मिट जाएगा आपका, वो ड्रामा कर रहा है वो परमात्मा ही है उसके अंदर, वो गंदा रहने का ड्रामा कर रहा है, ये कोड़ी बने अपने ऐसे खाद कर रहा है, तो कोड़ी मनुष्य था कोई अशुभ कर्म के कारण कोड़ी का ड्रामा कर रहा है परमात्मा कि खोटे काम करोगे तो कोड़ी बन जाओगे। ये हालत तो इसको देख के किसी को नफरत मत करो, मतलब जो देखो भगवान जो कहे इसके बस की बात नहीं है, कोई ज़्यादा बोलता बोले इसके बस की बात नहीं है, घर में अब सास है बात ज़्यादा बात करती है भूख समझिए मेरी बात को यार, तो बात तो करेगी उसको माफ़ कर दो, क्यों कि उसके संस्कार हैं बस की बात नहीं, बिकी माँ करती थी पेट में धीरे ऐसा दादा नानी करती रही होगी तो वो संस्कार है। तो पहली बात मैंने आपको बता दी वो, और दूसरी जो बात बता रहा हूँ उसमें मैंने क्या बताया कि आपने मन को ठीक कर लो, तो संगत का अच्छी करके ठीक बना लो, करना क्या है कि आपने आपको कभी गलत बात बोलो मत करो, मतलब रहते हो अच्छी तरह से रहो साधारण बात, और आप ईश्वर अंश हो, कोई ईश्वर दूसरा इस पृथ्वी पर नहीं है मेरे ख्याल के, मतलब हो सकता है गलत लिख दिए किताबों में भी, ए महात्माओं अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप कृपा करके मेरे को मार्गदर्शन कर दो, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ आता नहीं बाहर से और विचारों को बहुत का दिल टूटता है, अगर ऐसे गलत हो तो मेरे को बता दो, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो जानता हूँ वो सही है, मैं बता दिया मेरे को मार्गदर्शन करो, इसी तरह आपको मैं कहूँगा कोई गलत बात बोले मेरे को बताओ मार्गदर्शन करो मेरे को बता, सवाल पूछना भी आप। तो आपको छोटे से बात में 2-3 बात बता दी मैंने कि ज्ञान क्या है, एक तो सोचने का ज्ञान है, श्वास श्वास जाता विचार आते जाते आते जाते आते जाते एक विचार पर रुक जाते हो, या तो घटिया सोचते हो बढ़िया किसी नाराजी होगी पड़ोसन से दौरानी जिठानी से और बोले उसने मेरे काल ये कहा, मैं अब कह मिले ये कहूँगी ये कहूँगी ये कहूँगी, मन में सोचती जाती है कुछ ऐसे मैं विचारों पर जाते हैं दुख लेके आएंगे दोनों के लिए। तो घरों के अंदर पति पत्नी की नाराजगी है तो भी घर माफत है बुरा काम, शांति नहीं मिलेगी, भाई क्या कहते हैं माँ बेटे की तभी को नहीं मिलेगी, सास बहू की तभी नहीं मिलेगी, हम गिरते पड़ोसी के साथ भी कोई ऐसी बात है तो शांति नहीं मिलेगी, बुरा कर्म करोगे और तकलीफ पाओगे। तो अपने मन से मनुष्य मात्र को बुरा मत समझो कि ईश्वर ईश्वर है इसमें परमात्मा है, और ये जो कर रहा है
ये वो कोई पिछला शुभ कर्म है उसको भोग रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर जानना है तो मैंने पहले बताया था अपने आप को जान लो, सब कुछ पूरा ज्ञान आ जाएगा। क्या जानना, ये बोलता है क्या, कहाँ से आया, कहाँ जाता है, इसको जानने का तरीका पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ। खैर करना तो कब करेगा, कौन करेगा, ये डॉक्टर कमला कहती है बता दो किसी दल में ख्याल ख्याल आ जाए तो, ये बात होती है, ऐसे नहीं समझे कुछ नहीं होता। ये आपके अंदर शक्ति है और इस शक्ति को ज़्यादा डेवलप कर सकते हो और देख सकते हो। उसका तरीका है कि पहला नंबर ये है, यहाँ पर जहाँ टीकी करती हैं बैठे हुए हिंदू जो टीकी लगाती हैं, इस जगह पर ध्यान करके अगर कोई इष्ट बना रखा है राम का, कृष्ण का, देवी का, तो वो ले लो, कोई बात नहीं। और नहीं बना रखा तो कोई बात नहीं, जो चीज़ करोगे दाता ध्यान और दे, तीन चीज़ हो जाएंगी। क्यों, मैं मुक्त आदमी हूँ ना, तो मैं आपको बांधूंगा नहीं किसी चीज़ से, मैं आपको बांधूंगा नहीं। मतलब यह कि इस जगह पर ध्यान करके वो चीज़ की इच्छा करो जो चाहते हो, और वो कुछ टाइम के बाद आप जब ध्यान बन जाएगा तो हो जाएगा। ध्यान बनने की क्या निशानी है, ध्यान बनाने की निशानी है कि आपको जब ध्यान करते करते अंदर से टाली जैसे मंदिर में बजती है ना, कोई मंदिर में दाखिल होता है दरवाजे पर एक घंटी लगी होती है, वो टाली बजाता है कि मैं मंदिर में दाखिल हो गया हूँ, तो एक घंटी बजेगी टन टन टन, तो समझो ठीक है, और पीले रंग का प्रकाश आएगा। इष्ट की मूर्ति जो इष्ट बना रखा है, कभी आ जाएगी आ गए, कभी आ जाएगी कभी नहीं आएगी, कभी आए तो आपका अब क्या शक्ति आ गई, आप सोचोगे जल्दी हो जाएगी। गरीब हो तो अमीर बनना चाहते हो अमीर बन जाओगे, धन चाहते हो धन मिल जाएगा, मकान चाहते हो मकान मिल जाएगा, संतान चाहते हो संतान मिल जाएगा। पहले ज्योतिष ने कह दिया आपका लिखा नहीं है, अब से लिखा गया, आज से सोचना शुरू कर दिया कि आपके अगर कोई कमी है आप सबको देते हैं मेरे को भी दो। तो अगर ये ध्यान बन गया आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ये ध्यान बन जाए पहला स्थान पर इधर है तो आप दुनिया की चीज़ क्या चाहते हो स्थूल चीज़ वो प्राप्त होगी आपको। कोई भी चीज़ दुनिया की चाहते हो, धन चाहते हो, मान चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, भाई कुछ भी जो बनना चाहते हो, अभी टाइम नहीं होगा तो अगले टाइम मिल जाएगा, वो विचार आपका खाली नहीं जाएगा। कोई समझ चाहते हो, विवेक चाहते हो, धन के बारे में चाहते हो, या व्यापारी हो फर्ज करो और व्यापार में तरक्की चाहते हो, देखना चाहते हो व्यापार कैसे बने, तो फिर ये माथा के बीच में ध्यान करो, ईस्ट बॉय लगा लो आप, जो राम का रखो, कृष्ण का रखो, देवी का रखो, और किसी जीवन गुरु का रखो चाहे कोई बात नहीं, यहाँ पर रखो इस माथे के बीच में जो जगह ओम का स्थान कहते हैं, इस जगह पर ध्यान करने से जब आपका ध्यान बन जाएगा तो क्या होगा, लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा, और हिंदुओं को तो ओम ओम की ध्वनि सुनेगी, मुसलमानों को अमीन अमीन सुनेगा, और जो कुछ ही को नहीं मानता उसको दम दम नगारा सुनेगा, और वो लाल रंग का प्रकाश, तो समझ लो आप में सिद्धि आ गई। अब जो सोचोगे वह हो जाएगा। अगर बेटे को भी नफरत सोचो मेरे को तंग कर रहा है तंग कर रहा है, तो बेटा को रहेगा, जिस चीज तुम चाहोगे नफरत करोगे वो चीज़ रहेगी नहीं, परमात्मा हटा देगा, और जिस चीज कुछ चाहोगे वो हो जाएगा। पर इस लाल रंग का ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, क्यों, कि बहुत नाजुक है, रूप बनाने के लिए जोर लगाना पड़ता है मूर्ति बनाने के लिए, तो लाल रंग का ध्यान जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिमाग के बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अनुभव कर लो अगर करते हो तो, और नहीं तो इसे आगे करो, थोड़ा आगे थोड़ा सा ध्यान करते हो इस जगह पर, तो उस जगह पर ध्यान इकट्ठा होते ही क्या होगा कि आपको यहाँ पर चांद जैसी चांदनी आ जाएगी, पूरा प्रकाश नहीं आएगा, गृहस्थियों को ब्रह्मचारी को प्रकाश आ जाएगा, पहले आगे जंप कर जाएगा या अपने करिएगा, चांद जैसी चांदनी होगी, और वहाँ पर सारंगी बजती हूँ जैसे रंग सारंग सारंगी बजती है ना, ऐसे ऐसे क्यों बजती इतनी होती और उनके ऊपर आपको ये आएगा, तो आप में एक सिद्धि आ गई, यहाँ पर मस्ती आ जाएगी, ये मस्ती क्या खुशी, नशा हो जाएगा, जैसे भंग खाते हैं ना, वो भोड़ा भंग खाता वो खाता साधु भांग खाते हैं, को सुल्फा पीता वो नशा इसका है नाव का है। इधर जो एकाग्रता आ जाती है तो न तो कोई सुल्फा पीने की जरूरत, न कोई भांग खाने की जरूरत, न कोई शराब पीने की जरूरत, वो नशा रहता मस्ती। गुरु नानक देव ने इसको ऐसे कहा, रातें पी नानका उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नाम इकट्ठा हो जाता लेने से तो उसको मस्ती आएगी, आप बेफिक्र होगे, हंसते रहोगे, कोई मन काम नहीं करता, यहाँ चिंता फिक्र रहती थी। और आगे जाते हो तो वो मासून का स्थान है जिसमें कुछ नहीं आता, पर वो गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है, अंधेरा होता हुआ, और थोड़ा सा इसे और ऊपर की तरफ चलोगे सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, ये बाढ़ मिलने थोड़ा सा नीचे दे सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा ज़बरदस्त, और इतना आनंद आएगा उसके मुकाबले में कोई आनंद नहीं है, सब आप वचन सिद्ध हो जाओगे, जो जाएगा दर्शन करेगा उसका भी काम हो जाएगा। और आगे चलोगे तो बहुत सा जैसे सौ सैकड़ी सूर्य हुए ऐसा प्रकाश है, सूर्य तो कोई नहीं वहाँ पर, क्या था वो आपके जो ब्रह्मचार्य के जो जीवाणु होते हैं
आदमी की शक्ल की, एक जवानो एक प्रकाश जैसा सूर्य जैसा नजर आएगा आपको, वो आपको अनुवाद गया। और इसके बाद मस्ती खुशी बनी रहेगी, पूछ जाओगे, सोचोगे भाई होगा बड़ा महात्मा बन जाओगे, नाम ख्वाब हो जाएगा सब कुछ। और फिर द्वारा जब आकर ईष्ट का ध्यान करते हो, ईष्ट आए फिर द्वारा जी आ जाओ, फिर मुक्ति नहीं है। यहाँ तक मुक्ति के लिए क्या है, अगर सत्संग लेता जाए, साधन करता जाए, फिर मुक्ति की अवस्था आ गए। साधु कहते हैं अलख निरंजन, वो उसके लिए जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है ना छोटे बच्चे का, उस जगह आपका ध्यान चला जाएगा तो आप उससे निकल जाओगे। प्रकाश पर कुछ नहीं होगा, न कोई रंग रूप रेखा होगा, न कोई आकार होगा, सिर्फ एक स्वीट वॉइस आएगी, मीठी ध्वनि, जिसको राम नाम कहते हैं। बड़ा नाम राम था, अभी इसको नाद कह देता है, कोई अनद कह देता है, कोई गायत्री कहता है, कोई सावित्री कहता है, कोई सार शब्द कहता है, कोई सत शब्द कहता है, नाम पर दिल रखें, पर वो एक स्वीट मिट्टी है वह आएगी। ये जगह ना टिप टिप वाली से, इस जगह जब आ जाएगी तो आपकी जो सुरत में बोल रही है ये उसको सुनती रहेगी, अनुभव करती रहेगी, और यह करती करती खिंचती जाएगी, वो खिंचती जाएगी। और ये रास्ते का नाम यहाँ से लेके चोटी तक के रास्ते का नाम अगम है। इस जगह से चलते 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 एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल, बीस साल में जैसे उसकी योग्यता है, वो जब यहाँ आएगा चोटी के पास, तो जैसे गहरी दिन होगी वो आ जाएगी, यानी समाधि लग जाएगी सूरत की, सूरत भी गायब और वो शब्द भी गायब। कुछ देर के बाद फिर आपको चेतनता आएगी, चेतनता आके आप शरीर में आओगे तो आपको पता हो जाएगा, अभी फिर कोई आपको अनुभवी पुरुष बैराग करा देगा, वो कह देगा यहाँ तेरा कोई है नहीं, न को तू किसी का है, तू तेरा काम करने के लिए इधर आया था, तू अलग है और ये अलग है, ये चार दिन की जिंदगी तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तेरे साथ तेरे कर्म जाएंगे, पर रे तपली तो होते घर छोड़ दे भाई, सिन्यासी हो जाता मांग की खा, अब मांगेला कोई अलग हो नहीं। तो कलयुग के अंदर क्या बता दिया कि तुम घर में रहो और अच्छा ड्रामा करो, अच्छे पत्नी को अच्छा सम्मान दो, पति का दोस्त जान लो मेरा है कोई नहीं, इनके अंदर कोई दुख नहीं है इनका, अगर वो तकलीफ देती है तो समझो कि मेरा कोई पहले इसको तकलीफ दे रही है, मतलब जिसने जो दिया वो भोगते हैं, उसका ज्ञान हो जाएगा सत्संग सुनने से। तो फिर वो क्या है, इस जिंदगी में जीते मुक्त अवस्था में रहेगा, जब तक दिएगा तब तक देखता रहेगा लीला, कहीं परमात्मा से ये खेल कर रहा, सब ड्रामा देखता रहेगा, रोएगा नहीं उनके साथ, हंसेगा नहीं उनके सब मुताबिक, बहेगा नहीं विचार में, किसी के विचार में किसी बात में बहेगा नहीं, वो जीवते देखता रहेगा, सबके अंदर वही खेल रहा है, परमात्मा ही खेल रहा है सबके अंदर। जब तक उसकी जिंदगी का टाइम है तो प्रारब्ध कर्म है वो भोगता रहेगा, जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा उस वक्त वो चीज आएगा, वही चीज़ आ जाएगी, वो शब्द की धारा उसके साथ आके चोटी समाधि लग जाएगी। आगे समझ बात, कई चीज़ों से निकले, नाम 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 करते नाम है क्या, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, क्या पहचान ना मिलने की। नाम जिसको मिल गया उसको फिर कोई डर नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, को गाड़ काटो चाहे कुछ भी करो, भय नहीं, मौत आती है तैयार है बोल, यानी उसको कोई चिंता फिक्र किसी बात का रहता नहीं। नाम का मतलब है कि वो ऐसा हो गया, कोई फिक्र चिंता नहीं, हमेशा कोई गाड़ी काट देगा हंस देगा, वो देखता रहता परमात्मा खेल है। तो नाम मिल गया, चौथा पद मिलता, चौथा पद क्या, शरीर से बोलने वाली चीज़ को निकालो, इसके लिए ध्यान करो यहाँ पर, तो रूप आ जाएगा, कोई रूप नजर आ जाएगा तो शरीर से निकल गया, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, और वो रूप के साथ खेलते खेलते फिर वो गुरु अनुभव बताएगा कि ये तो तू बुलाता है, अरे कोई राम नहीं आया, कोई गुरु नहीं आया, ये तो तू बुलाता है, तेरे में ताकत है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो मेरा रूप बनाते उनमें ताकत है, मेरे में तो ताकत होती है, तो मेरे गाँव वाले को बुला देता तो आगे चाल, तो ये मंजिल नहीं है तेरी, तू जहाँ से आया आगे, फिर आप आगे जाओगे, आगे देखोगे, रूप को छोड़ना चाहोगे, रूप का मन का मंडल बहुत दूर तक है, जो कुछ बोलता आगे से, कोई बोलता राम मिल गया, राम मिल गया, राम मिल, कुछ राम रूप नहीं बोलता, आपका मन नहीं बढ़ाता है सब, फिर उसके आगे निकलोगे विचार शक्लों से सूरतों से, फिर उसके बाद सफ़ेद प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश की मंजिल बहुत लंबी चौड़ी है, उसके मानन देते रहो देते रहो, प्रकाश के लोक से निकलोगे उस वक्त वो आपको चौथा नाम आएगा। शरीर से निकालो पहले अपने आप को, मन से निकालो शक्लों से, और प्रकाश के आनंद से निकालो आगे, उसके बाद चौथा लोक, चौथी चीज़ आती है शब्द, जिसको राम नाम कहते हैं, उसके साथ फिर वो शब्द के अंदर ही लीन हो जाओ, चल जाओ, तब आपको नाम मिल गया, उसके बाद आपको भय नहीं लगेगा, न कोई भय न कोई चिंता है। तो नाम ले ले, नाम ले ले, नाम ले के लिए नाम तो मैं, अरे वो कह महात्मा चलो नाम दिया लो, तेरा नाम दिया लो, मैं हंसता हूँ क्या नाम दिया लो, अरे नाम तो इसके अंदर पहले ही है, कैसे पकड़ेगा नाम, हम इससे रहते तो नाम आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, पहले शरीर से ध्यान के योग से, और ध्यान करने के लिए गुरु बता दिया ध्यान वही कर सकता है जिसमें ब्रह्मचारी एक शक्ति है,
अगर पहले नहीं तो अभिषेक ब्रह्मचारी पालन करो, जिंदगी में जब तक रहते हो तो अभी आप जो ज़्यादा उम्र हो कोई बात नहीं, अभिषेक पालन पालन करो, पति को अच्छा खाना खिलाओ, आप खुद अच्छा खाना खाओ, बोलो ये काम करो अच्छा। आप बेटियाँ कह सकती हो या पति को अकेले वो कह सकता है, क्यों जिंदगी खो रहे हो। तो नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे चलो की माई, आगे ना नाम आपके अंदर मिलेगा, अनुभव कहाँ होगा, चौथे पद में चले जाओगे, उसके बाद कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। आई समझ बात, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे चलो की माई। सब चाहता हूँ आज ही बता दूँ, लेकिन बता नहीं सकता तो पुस्तकों में लिखी है सबकी सब बात, पढ़ के देख लेना। और कोई भाई पूछना था मेरे से बात कर लेना, तो मेरा तो बात अब सुनता रहा टेलीफोन लोगों का, वो कोई कहता मैं मेरा ये हो गया, तेरा ठीक हो जाएगा, तेरा ठीक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव विचार देता हूँ उनसे, अच्छा कर्म तो जागा नहीं होगा, तो ना मैं ठेकेदार हूँ, मैं कह देता हूँ, वो कहते हैं वो काप ने कह दिया ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया, वो उसने भी उसका विश्वास है, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में शक्ति होती तो मैं कुछ करता, घर में करता, गाँवों को मेरा गाँव दुखिया मन को कर देता ठीक, में एक ठीक होनी है ठीक बिल्कुल से, नहीं तो मेरे से फौज सीधी हुई ज्ञान देता रहा, नहीं मेरे से कोई गाँव वाला घर वाला सीधा होया, और नहीं कोई सत्संगी सीधा होया, मैं सीधा हो गया तो मेरे लिए बिल्कुल सब रास्ते सीधे, सफर चारों सड़क सीधी है, समझिए। तो आप सीधा बन जाओ, आपके लिए दुनिया सीधी है, कोई बेटा सीधा होने, कोई भू सीधी होने, कोई सास सीधी होने, और कोई पड़ोसन होने, आप सीधे हो जाओ तो आपके लिए सब दुनिया सीधी है, ये मारा गया। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी किसी बेटी को कोई प्रश्न है तो मेरे को पूछो, मैं क्या बातें तो बात सब जो कान का है वो आपने सुनी देखी पढ़ी बातें हैं वो डेवलप होकर सामने कान में भी आ जाएंगी और आपके क्या कहते हैं आँखों में भी आ जाएंगी और वो आपके जबान पर भी आ जाएंगी। देखी सुनी बातें हैं वो करके आ जाती है और वो आपको तो अनुभव होता है, मतलब संस्कार जो लिए हुए हैं संस्कार डेवलप होकर आते हैं, वो जो आता है कान में कोई आवाज़ आती है आपके है, तो वो ठीक है आती है, वो आपका ही आती है और तो किसी आती नहीं, आप किसी को एक दो एक्सेप्शन होता है, हम सुनते रहते हैं कि मेरे कान में ऐसी बोलती है, बिंद्री बोलते हैं, महाराज कहता वो बोलती है, गुरु पीरों का, मैं सुनते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखी भी जाती है। मेरे अनुभव में आई कि जो कुछ सुना देखा कराया पढ़ा हुआ वो संस्कार डेवलप होके आते हैं। अगर आपको मैं ये आपको बात बताई कि भाई इस जगह पर ध्यान करोगे तो घंटे की आवाज़ आएगी और पीले रंग का प्रकाश आएगा, ये मैं संस्कार दिया बार का, अगर ये बताया तो मैं जब बताऊंगा कोई गुरु बताएगा जब तो आएगा, नहीं बता कुछ नहीं बताएगा, आप ध्यान करो कुछ नहीं आएगा, जो बताएगा संस्कार नहीं देगा कुछ आएगा नहीं, तो ये आपको संस्कार दिया हुआ है, कोई रूहानियत नहीं इसमें, इसमें कोई रूहानियत नहीं है, प्रकाश वगैरह देखने की बात ही कोई आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मुझे पूछते तो मैं आगे बताता मैं क्या करूँ, क्यों वो आगे पूछ रहा है नहीं तो मैं बताऊँगा क्यों, तो बात यह है कि ये रूहानियत नहीं इसमें, जो आपने सुनी देखी बातें ठीक अच्छी है, रूहानियत नहीं, आत्मपद नहीं, आत्मपद किसके लिए, शांति के लिए, शांति मिल गई हो तो बात हुई, शांति मिली कौन से क्या बात है भाई, भूख लग रही है, भूख लग रही है, अगर रोटी मिल गई तो भूख खत्म होगी नहीं, होगी नहीं, तो वो आपकी वो बात है, वो भाई गोलमोल ही रहेगी, वैसे जो आपका संस्कार आएगा और संस्कार तरह तरह के जैसे संस्कार इसमें कोई रूहानी, तो सब्जेक्ट अनुभव का है, ये जो अध्यात्म की बात है, अगर मेरे में ताकत होती तो मैं पहले लिख जाता, वो अनुभव की चीज़ है, वो अनुभव आप करके गुड़ाली सी बात है, तो अध्यात्म अनुभव की चीज़ है, ये तो अच्छे आदमी होते हैं आस्था कर लेते हैं और उनका कर्म बन जाता है वैसे हो जाता है। हाँ और बोलिए जी, एक की शिकायत नहीं, सब लोगों की ध्यान की है, क्योंकि जो कुछ नाम वगैरह देते हैं वो ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान बने को नहीं, ये कारण क्या है, तो ध्यान के लिए तरीका क्या है, ध्यान उनका बनेगा जिनका ब्रह्मचर्य कायम है, जिनका ब्रह्मचर्य कायम नहीं है, ब्याह शादी कर ली, बाल बच्चा हो गया एक दो, फिर बाल बच्चे के बाद में गृहस्थ को छोड़ दो, दोनों समझ की म्यूचुअली पति पत्नी बात करके क्यों मरना है, कि इसके अंदर बस शक्ति होगी तो आपका ध्यान बनेगा, बस शक्ति नहीं होगी तो मन डोला डोली करता रहेगा आता रहेगा। तो ध्यान की आम बात करते हैं कुछ जैसे, यह मैंने ध्यान की बात करता, मैं ध्यान की नहीं बताता इनको, इनको और बताता, मैं एक बात छोटी सी बताता, पर क्यों ध्यान के बारे में बात करी मैं बता दी, वो इनको क्या बताता कि इनको प्रकाश तो आ नहीं सकता कभी, बात सब बीस करो, तो मैंने कहा कहता कुछ नहीं करना आपने, आप केवल एक विश्वास रखो, एक विश्वास जहाँ बनया है, जिस गुरु को मानते हो पूरा ही मान लो, जिस मूर्ति को मानते हो पूरा मान लो, तो वही है, वो रखो विश्वास, आपका सब काम हो जाएगा। प्रूफ क्या है मेरे पास, आपका जो बकवास कर दी प्रूफ, गुरु नानक है, एक विश्वास रखो मन माही नानक सर्व रोग कट जाएंगे। तो आपके लिए मेरे को पूछते मैं कहता विश्वास रखो कुछ भी करो, क्यों ध्यान बढ़ नहीं सकता, टाइम होती है, अनुभव ये तो बताएगा आपको, ये खुराक खाया करो, ऐसा करा करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर आस्ते बढ़ने लग जाएगा आस्ते आस्ते।
आपके अंदर ही। वो ब्रह्मचारी जो कमी होती है ना वो पूरी होने के लिए आगे के लिए तो बंद कर दी। मन से और वचन से, मन से और शरीर से, दोनों से ब्रह्मचारी है। अगर टेलीविजन देखता रहोगा तो ब्रह्मचारी नहीं रख सकते आप। टेलीविजन देखता रहोगा, अगर भाई लड़कियों का नाच गाना देखता रहोगा, लेडी की संगत करता रहोगा, तो आपको वो मन जो करेगा ना मन के अनुसार फिर वो रात के टाइम पर वो औरत बन के आ जाएगी और वो सुपने के अंदर बात खत्म हो जाएगी, वो रह नहीं सकता। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है और उसका पर्व सब बन जाएगा। तो आप ध्यान नहीं बनता है, एक विश्वास बना लो और वो साधन करता रहो, आ जाए कोई बात नहीं। ध्यान का क्या है, आपके विश्वास में शक्ति है। विश्वासम फलदायकम, कुछ नहीं फलदायक, विश्वास रखो। एक कहाँ रखो, आपका मन कर रखो। मुक्त आदमी में यह नहीं कहता इस गुरु से मानो, जिस गुरु जी को मानते हो उसको परमात्मा मानो। ऐप देखो उसका, कोई भी गुरु जो मानते हो आपको उसको पूरा मानो, आपका काम हो जाएगा। कोई बात नहीं है कि जिसको मानते हो पूरा मानो उसको। अरे मूर्ति को मानते हो राम की, तो ये मत समझो कि राम चला गया, वो नहीं है अभी, वो साक्षात है। जो भक्त ऐसे मानते हैं उनका काम होते हैं सब। आपके विश्वास में शक्ति है। तो जब तक आपका ध्यान नहीं बनता है, विश्वास रखते रहो। आप जिसको मानते हो उसको पूरा मानो और आहिस्ता आहिस्ते करो, और थोड़ा बहुत बादाम वगैरह अंजीर और मुनका वगैरह भेज करके रात के टाइम पर सुबह के टाइम पर वो खाते रहा करो, वो खाते रहा करो। और ब्रह्मचारी का पालन करो मन से और शरीर से दोनों से। अगर मन से नहीं करोगे तो काम ब्रह्मचारी बने नहीं, सपने में हो जाएगा, सपना तो हो जाएगा, रुकने वाली चीज़ है नहीं वो, ऐसे कर लेना। और भाई कोई बात क्या फिक्र करो, किसका ध्यान, ये तो साधुओं ने बता दिया। पहले जो योगी महात्मा होते थे उनकी लकीर है, तो वह पीट दी, मैंने पीट दी बात बता दी आपको। वो कोई जरूरी नहीं है प्रकाश की शब्द की, वो तो उसके लिए अमर रहूँ उनके लिए है वो, कि वो करके अनुभव कर ली बस शांति मिलेगी उनको। और कोई ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अनुभव कर लेगा, इसे उसको अनुभव करेगा, उसको सींग ही दिपली में बगैर देखे विश्वास नहीं बनता।